होटलों काफ़ी अपना भी मेहनत भी की है, बहुत अपने साल भी दिते अपना टाइम, बट उस तो बाद भी कुछ इदा दल हुई हैं, कुछ मेरे बंद ने पैसे मारे या मैं इदा सिचुएशन लिया के खड़ा करता भी मैं कदम सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी जोड़ी स्टडी है वो कैनेडा तो की हुई है, तो मैं शेफ कलनरी मैनेजमेंट के अपना कोर्स किया हो, मतलब मैं अपना टाइम सड़क से भी कट्टिया, बट अज मैं जिते भी हैगा मैं अपने आप से मतलब बहुत है, मैं अपने सारे ड्रीम पूरे किए आके। मैं ये गल जानता भी जो मैं इतने कर सकता मैं कैनेडा ने कदे नहीं देना सी, तो मैं मतलब ये गल ता ही कि सारे चैलेंज करता कि हाँ मैं उत्थे वीज़ा मैं मतलब मुका के नहीं आया या कुछ भी है, मेरा 9 महीने का वीज़ा से मैं ता ही इतने आके अपना काम स्टार्ट किया, अपने घरदों को प्रूव करने लिए भी हाँ भी जे नहीं चलूगा कोई ना मेरे को वीज़ा हैगा मैं फिर चल जूँगा, तुम क्यों टेंशन लेंगे, मैंने एक बार काम तो स्टार्ट कर लेंगे। मतलब मेरा एक एक ड्रीम रहा सर शुरू तो भी, आप देखते हैं KFC मैकडोनल्ड इंडियन चेन्स है, बट सर इंडियन चेन तो कोई भी नहीं है भी आप कहने भी मेड इन इंडिया या होर कुछ भी है, तो मेरा एक ड्रीम है भी मैं अपने नाम के उत्ते एक मल्टीनैशनल चेन बनावा जिदी की ब्रांच हर एक सिटी हर एक शहर के हर एक कंट्री हो। बस अक्सर असं सुनते हैं कि कदे किसी बैकग्राउंड तो कदे किसी बैकग्राउंड तो फूड लाइन के जो है नौजवान अक्सर ही अपना इंट्रस्ट दिखाते हैं, जे उत्थे ही मैं गल करा अज साढ़े नाल नौजवान मौजूद ने जो कि कैनेडा रिटर्न ने, तो इत्थे शहर के फूड चेन, जी हाँ एक फूड चेन कैनेडा रिटर्न नौजवान साढ़े नाल मौजूद ने जो हुण उन्होंने एक ब्रांच स्टार्ट की है, होर उन्होंने नाल थोड़ी आपां जानकारी लेंदे हुए पुछदे हां कि रीज़न है उन्होंने तो की वो हुण अगे दे फ्यूचर ने उन्होंने। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सर अपना किस नेम तो इत्थे जी? मेरा रेस्टोरेंट है जिहड़ा पंडित जी के चूल्हे के नाम तो है, तो मेरा अपना नाम पूर्वक शर्मा है, मैं लास्ट ईयर कैनेडा तो आया सीगा, तो मैंने कुछ 18 या 19 मंथ्स अराउंड हो गए रेस्टोरेंट खोले। मैं वैसे बैकग्राउंड है जोड़ा मेरा वो मैं रेस्टोरेंट लाइन तो ही बिलोंग करता, मैं अपनी जोड़ी स्टडी है वो कैनेडा तो की हुई है, तो मैं शेफ कलनरी मैनेजमेंट के अपना कोर्स किया हो। बाकी सर कैनेडा तो तुम की स्टडी करके आए हो? मैं जी अपनी कलिनरी मैनेजमेंट की हुई है उत्थों, तो मैं बाय प्रोफेशन शेफ का ही काम करता रहा उत्थे भी। थोड़ी सानू ब्रीफ दसोंगे डिटेल च की हुंदा है स्टडी दे विच, की स्टडी की है तुसी? हाँ जी हाँ जी सर, मैं ना एक्चुअली प्रोफेशनल HM नहीं की हुई है, बट मैं शेफ ट्रेनिंग की हुई है प्रॉपर, मैं 2 साल की स्टडी के नाल अपनी इंटर्नशिप भी की है रेस्टोरेंट्स के विच, तो मैं एक प्रॉपर सर्टिफाइड कैनेडियन शेफ हाँ। कितनी देर तुसी कैनेडा रह के आए हो? मैं सर अराउंड 2.5 साल कैनेडा रहा, मौत तो इलावा होर मतलब USA दे विच भी थोड़ा टाइम काम किया, बट फिर मैं उस तो बाद अपना इंडिया आके काम स्टार्ट किया। जे मैं कैनेडा की गल करा तो थोड़ा की रीज़न सी उत्थे जान दा कैनेडा? कैनेडा सर बहुत रीज़न है भी, मैं बहुत वधिया फूड मतलब फूड लाइन काफ़ी अपना भी मेहनत भी की है, बहुत अपने साल भी दिते अपना टाइम, बट उस तो बाद भी कुछ इदा दियां गल्लां हुई हैं, कुछ मेरे बंद ने पैसे मारे या मैं इदा दी सिचुएशन लिया के खड़ा करता भी मैं कदम सोच भी नहीं सकता सीगा, मतलब मैं अपना टाइम सड़क से भी कट्टिया, बट अज मैं जिते भी हैगा मैं अपने आप से मतलब बहुत है, मैं अपने सारे ड्रीम पूरे किए आके। मैं ये गल जानता भी जो मैं इतने कर सकता मैं कैनेडा ने कदे नहीं देना सी। तुसी क्या जो तुसी इतने कर सकते हो वो थोनू कैनेडा ने नहीं देना सी? की मतलब की वजह की नहीं दे सकते सी कैनेडा? लोग तो जो आप सुनते हैं कि इतों बाहर भजते हैं, तो तुसी कह रहे हो कि कैनेडा नहीं दे सकती सी? कैनेडा सब कुछ दे सकती है जी, पर जिहड़े अपने इतने यार ने ते जिहड़े अपने घर दे ने ना वो उत्थे कदे नहीं दे सकती। मैं अपना 2.5 साल के परसनल एक्सपीरियंस तो कह रहा, मैं अपना वीज़ा खत्म होने तो पहले ही इंडिया आ गया सी, तो मैं मतलब ये गल ता ही कि सारे चैलेंज करता कि हाँ मैं उत्थे वीज़ा मैं मतलब मुका के नहीं आया या कुछ भी है, मेरा 9 महीने का वीज़ा से मैं ता ही इतने आके अपना काम स्टार्ट किया, अपने घरदों को प्रूव करने लिए भी हाँ भी जे नहीं चलूगा कोई ना मेरे को वीज़ा हैगा मैं फिर चल जूँगा, तुम क्यों टेंशन लेंगे, मैंने एक बार काम तो स्टार्ट कर लेंगे, भी इन्ने साल हो गए मैंने एक मौका दो। तो घरदिया की फैमिली तो फ्रेंड्स वालों तुहानू जो है शुरू तो लैके हुण तक की जो मैं गल करा तो सपोर्ट लैवल की रहा थोड़ा? बहुत सपोर्ट है जी, मेरे मदर का ये भी सब तो वड्डा रोल है, मेरे मदर ने मेरे मदर बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है, उन्होंने जिथे तक हो सकता मेरी हैल्प की है, रेस्टोरेंट के भी मैंने बहुत हैल्प की है, हूँ भी कर रहे हैं, मैं एक ब्रांच होर खोली है, मैं किसी फ्रेंचाइजी भी दी है, इस टाइम मेरे को मतलब मेरे नाम से 3 शॉप्स चल दी ने, तो मेरे लिए बहुत वही गल है। मैं जे मतलब मेरा एक एक ड्रीम रहा सर शुरू तो भी, आप देखते हैं KFC मैकडोनल्ड इंडियन चेन्स है, बट सर इंडियन चेन तो कोई भी नहीं है भी आप कहने भी मेड इन इंडिया या होर कुछ भी है, तो मेरा एक ड्रीम है भी मैं अपने नाम के उत्ते एक मल्टीनैशनल चेन बनावा जिदी की ब्रांच हर एक सिटी हर एक शहर के हर एक कंट्री में हो। बस तो तुम्हें कहा कि पैसे भी थोड़े मारे गए हैं कुछ?
कई लोगों वालों की एजेंट्स वालों या किसी वालों थोड़ा उही रीजन रहा कैनेडा तो वापस आने का? नहीं नहीं सर, एजेंट वालों तो इदा की कोई प्रॉब्लम नहीं सी। ये सर इदा है भी तुम कह लो कहें भी अपने ही ज़्यादा काम खराब किया हो भी बहुत इदा के पंजाबी रेस्टोरेंट भी ने, चलो मैं नाम नहीं लूँगा भी मैं जिन्हों को काम किया तीन तीन महीने भी काम किया, एक रुपया नहीं मंगया, दिन अठारह अठारह घंटे काम करना, चौबी घंटे चो चार घंटे सोना, फिर भी तीन घंटे मतलब तीन महीने बाद भी कोई कह रहा जी आ लो फड़ो जी $50 ले ला, कहता $100 ले ला, कहता जे तेरे तो कुछ होंगे तू कर ला भी करा लो फिर कंप्लेट तुम भी रिपोर्ट मारना। इदा के बहुत चीज़ा होंदिया उत्थे अपने ना कोई खड़ा भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते। इतने का चलो पता भी कुछ नहीं है, राती अभी शटर डाउन करके घर चल जाना है, अब मेरे घर दे मेरे कोले ने बस, होर मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस यही रीज़न है जी इंडिया का, होर ये अलावा कोई रीज़न नहीं। तो इस ब्रांच में खोलना है, थोड़ी पहली ब्रांच है? ये मेरी फर्स्ट ब्रांच सी जी, ये मैं लास्ट ईयर ओपन की सी फरवरी के, उस तो बाद फिर मैं ये जो ईयर स्टार्ट होया सीगा मैं एक अपनी ब्रांच होर ओपन की सी, उस तो बाद फिर हुण मैं एक फ्रेंचाइजी दी हुई है फोकल पॉइंट के, बाकी अगे काम चल रहा सर, अगे नवे रेस्टोरेंट लैके आवांगे। रिस्पोंस की रहा थोनू इतों का एरिया वालों, जो मैं गल करा या लोगों का थोड़े खाने पर की रिस्पोंस रहा? एरिया का तो सर मैं शुरू तो एक ही गल मानता, एरिया मैटर नहीं करता, तुम की बनाने हो ये चीज़ मैटर करती है। जे आप वधिया समान बनाने हैं तो लोगों ने अपने को कितने भी चल के आ जाना। मैं इदा के भी लोगों को जानता जेड़े उस जगह पर शहर के बैठे ने जिथे एक्टिवा तक नहीं जाता, तो उत्थे भी BMW या मर्सिडीज़ वाले बाहर ला के भावें पैदल जाके खाण। बस मैं यही चीज़ मानता, जे मैं वधिया चीज़ बनाना है तो लोगों को मेरा खाना जरूर पसंद आएगा, तो बाकी तो जी लोगों ने रिस्पोंस देना। तुसी बहुत जिम्मे दसिया कि तुसी स्ट्रगल किया है, बाहर भी रहे हो तुसी सड़कों पर भी, जिम्मे तुसी काम किया है इन्नी 18-18 घंटे शिफ्ट भी लाई है उत्थे ही, जे हुण पंजाब तो तुसी हो तो यूथ नूं तुसी कोई अपना की मैसेज देना चाहोगे? यूथ नूं यही मैसेज देना चाहूँगा जी, सब तो पहला जी अपने घरदिआं दी रिस्पैक्ट करो, उस तो इलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है सारिआं दे घरे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुंदी है, बट आपां इक डिसीजन लैके भी नहीं यार आपां बाहर चल जाना, सानूं इत्थे आजादी है नहीं गी। मेनली मैनू जिन्ने बंदे जाण जिहड़े कहिंदे सी बाहर क्यों जाणा, सानूं इत्थे आजादी नहीं मिलदी यार, जां असीं कुछ नवां करना चाहुंदे आ। मैं गल मानदा जे आपां 18-20 लाख रुपया ला के बाहर जाना, जे अपने असीं अपने घरदिआं नूं सारा कुछ वधिया तरीके नाल समझावांगे, उह घट्टो घट 4-5 लाख रुपया तां अपने उत्ते इनवैसट कर ही देणगे, तो उहदे नाल फिर जो प्रूफ करना उह तां जी असीं आप ही प्रूफ करना। कोई फ्यूचर दे विच होर भी तुसीं चेन्स खोलनी आ, की तुहाडा विजन की है? मेरा सर इको एक ड्रीम है कि मतलब हर कंट्री दे विच या मतलब हर स्टेट हर सिटी दे विच मेरी एक ब्रांच होवे, बस मेरा यही एक ड्रीम है भी मैं एक पंजाबी इंडियन मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजी खोल भी सिस्टम खोलना चाहना हाँ, भी जिदा मैकडोनल्ड या डोमिनोज चलते हैं, बस मैं चाहना हाँ भी मेरा ब्रांड पंडा जी का चूल्हा एक उदा का ही ब्रांड बने। इन्हां नाल असी गलबात की, तो इन्होंने सानू दस्या कि एक सुपना जो ये लैके कैनेडा गए सी, तो उत्थों हुण वापस आ के इत्थे सुपना पूरा करन दी कोशिश च ने, कि बाकी जो है मैकडोनल्ड्स होर मल्टीनैशनल ब्रांड्स ने उवें ही पंडित जी चूल्हा वांगू यह एक उसनों मल्टीनैशनल ब्रांड ते अपनी चेन्स बनाना चाहते हैं।